श्री माता जी की फोटो की तरफ बहुत ध्यान से देखेंगे और सबसे पहले श्री माता जी को नमस्कार करते हुए बंधन लेंगे। सबसे पहले एक गांठ लगाएंगे, दो गांठ लगाएंगे, तीन गांठ लगाएंगे, फिर लेफ्ट से राइट। हाँ, वेरी गुड। आंखें बंद रखेंगे और जहां हाथ जा रहा है वहां पे चित्त को रखेंगे। जय श्री माता जी। श्री माता जी के पावन श्री चरणों को निहारेंगे, बहुत ही प्रेम से श्री माता जी के श्री चरण देखेंगे। श्री माता जी से वंदना करेंगे। श्री माता जी कृपया करके आज आप हम सभी बच्चों को हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। माँ माँ कृपया करके हम सभी बच्चों को संतुलन में ला दीजिए। माँ आज आप हमको कुंडलिनी शक्ति का अनुभव प्रदान कर दीजिए। माँ आज आप हमारी आत्मा को जागृत कर दीजिए। माँ लेफ्ट हाथ श्री माता जी के सामने और राइट पृथ्वी पे रखेंगे। लेफ्ट हाथ बायां हाथ माँ के सामने, बायां हाथ राइट हैंड पृथ्वी पे और हम माँ से प्रार्थना करेंगे। माँ बोलेंगे साथ में, श्री माता जी कृपया करके, जोर से बोलो, कृपया करके मेरे बाएं भाग में जो भी अशुद्धियां हैं उन्हें आप अपने पृथ्वी तत्व में विलीन कर लीजिए। मेरे बाएं भाग में जो भी बीमारियां हैं उनको आप अपने पृथ्वी तत्व में समा लीजिए। माँ मेरा बायां भाग स्वच्छ कर दीजिए। आप ही श्री महाकाली हैं माँ, मुझे श्री महाकाली का आशीर्वाद प्रदान कर दीजिए। माँ मेरी ईड़ा नाड़ी शुद्ध कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। थोड़ी देर शांत बैठेंगे और अपने बाएं भाग को निहारेंगे बंद आंखों से। पूरा चित्त और ध्यान हमारा बाएं हाथ पे रहेगा। अब राइट हैंड खोलेंगे, दूसरा हाथ खोल लेंगे और ये वाला हाथ आकाश में मोड़ लेंगे। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, सभी लोग बोलेंगे, श्री माता जी कृपया करके मेरे शरीर के दाएं भाग को स्वच्छ कर दीजिए। मेरे भविष्य में आने वाली सभी समस्याएं आप आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। माँ
मेरा भविष्य सुंदर बना दीजिए। माँ, मेरे भविष्य में आने वाली जानी और अनजानी सारी बाधाएं आप आकाश तत्व में विलीन कर लीजिए। अब दोनों हाथ सामने रखेंगे और बहुत ही हृदय से बोलेंगे, श्री माता जी, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। माँ, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार प्रदान कर दीजिए। मेरी आत्मा को जागृत कर दीजिए। माँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। अपने चित्त को दोनों हाथों पे रखेंगे। पहले अपने बाएं हाथ को देखेंगे, फिर अपने दाएं हाथ को देखेंगे। संतुलन में महसूस करेंगे। अब सर के ऊपर चित्त को ले आएंगे। आंखें बंद और पूरा ध्यान सर के ऊपर। आकाश में देखेंगे, नीले आकाश में अपने चित्त को ले जाएंगे और महसूस करेंगे कि हमारी कुंडलिनी शक्ति ने परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर ली है और परम चैतन्य हमारे ऊपर बरस रहा है एक वर्षा के रूप में, और हम भीग रहे हैं जैसे हम एक झरने के नीचे बैठे हुए हैं और भीगते ही चले जा रहे हैं। अपने चित्त को बाई हथेली पे रखेंगे। अंगूठे को देखेंगे, आगे वाली उंगली को देखेंगे, उसके आगे वाली को देखेंगे और आगे वाली उंगली को देखेंगे और छोटी उंगली को देखेंगे। अब राइट हैंड को देखेंगे, हथेली के बीचों बीच देखेंगे। आंखें बंद, कोई विचार नहीं, कुछ नहीं सोचना, सिर्फ हम और हमारा चित्त, हथेली, अंगूठा, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली, आगे वाली उंगली और छोटी उंगली, सब पर अपने चित्त को ले जाएंगे। निर्विचारिता का अनुभव करेंगे। चित्त को सहस्रार पे रखते हुए तीनों महामंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली
त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तरोज रज निज मन मुकर सुधार पर नौ रघुवर बिमल जस जो दया कृपाल जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे करउ कलेश विकार। सागर जय कपि सुतिहु लोक उजाग राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज और धजा विराजे कांधे मूझ जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर राम काजी करि बेको आतुर प्रभु चरित्र सुनि बेको रसिया राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति की नहीं बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रो यस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश नारद सारद सहित अहिस यम कुबेर दिगपाल जहात कवि को विधि कहि सके कहात तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। रोम
माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जगन्यांग गई अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे उतना आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर सब नाम सुनावे सब पीरा चपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोला सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों ओर प्रताप तुम्हारा प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराव अंत काल रघुपतिपुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरही हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जी सत बार पाठ कर जोई छूट ही बंदी महासुख होई जो यह पढ़ हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि जेरा कीजे नाथ हृदय मांडेरा कीजे नाथ हृदय मांडेरा कीजे नाथ हृदय मांडेरा शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः आपने से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अभी अभी रियलाइज हुए हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़े दिन पहले रियलाइज हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने रियलाइज हुए हैं
जो कि इस चीज़ को समझ गए हैं कि अपनी चेतना क्या है, वो किस तरह से कार्य प्रवण होती है, किस तरह से कार्य करती है और किस तरह से हम उसको अपनाते जाते हैं। इस तरह से यहाँ तीन तरह के लोग होने के कारण मैं कुछ कुछ बातें फिर से दोहरानी पड़ेंगी और बताऊंगी, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है, कि रियलाइज आदमी में क्या विशेषता होती है। पिछले मतलब अभी मैंने बहुत सी बातें बताई हैं कि रियलाइज आदमी की क्या विशेषता है और आगे इसको किस तरह से हमें रियलाइज स्टेट में हमें कैसे रहना चाहिए, इस तरह से तीन इस पर मैं बताऊँ। इतना जरूर होना चाहिए कि इस वक्त आपने जो पढ़ा लिखा है, यहाँ पर भी जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसको अभी भूल जाए। पहले तो प्रश्न यह है कि रियलाइजेशन का अर्थ क्या है। जब आप पैर पर आते हैं तो इसमें से कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार नहीं है और कितने ही लोगों को कहा जाता है कि आप पार हो। इसका एक तो अर्थ है ही कि रियलाइजेशन का संबंध आपके बाहरी शरीर मन बुद्धि से नहीं है किंतु किसी आंतरिक चीज से है, जो कुछ लोगों को हो जाता है और कुछ लोगों को नहीं होता। रियलाइजेशन में जब आप लोग मेरे पैर पर रहते हैं उस वक्त जो हाथ में देखते हैं लोग, वो ये देखते हैं कि उनके ऊपर जोर से प्रवाह हाथ में आने लग जाता है और आपको भी पैर में ऐसा लगने लगता है कि कुछ तो भी पैर में झरझर झरझर जा रहा है। अपनी चारों तरफ मनुष्य के वातावरण के और सारे संसार की चारों तरफ चैतन्य शक्ति से अंदर और बाहर, जैसे कि हर एक पेड़ के अंदर भी चेतना शक्ति है, उसके पत्ते में भी चेतना शक्ति है, उसके मूल में भी है और उसी तरह से इस सारे भूमंडल पर भी चैतन्य शक्ति का वास। चारों तरफ जैसे कोई ईथर होता है, इस तरह से ये चैतन्य शक्ति चारों तरफ चल रही है और अंदर बाहर हर जगह उसका वास। और वही शक्ति पूरा जो कुछ कार्य जड़ शक्ति का करने का है करती रहती है। अब ये शक्ति हमारे अंदर कुंडली नामक, उसको कि कुंडली लोग कहते हैं, कुंडलिनी कहते हैं, लेकिन कुंडलिनी एक शब्द है दिया हुआ। हालांकि परमात्मा ने किसी भी चीज को अर्थ ही दिया और शब्द तो दिया नहीं है, जैसे किसी का नाम दिया नहीं, पर मानव ने दिया हुआ नाम इसका कुंडलिनी। कुंडलिनी नाम की शक्ति, कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी के नीचे जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसमें स्थित है। उसके बारे में अभी मैं एक आर्टिकल निकालने वाली हूँ शक्ति में, तो आप उसके सारे डिटेल्स पढ़ लीजिएगा और उसके साइंटिफिक नाम जो कुछ है वो भी आप जान लीजिएगा और आप में से बहुत से लोग उसको जानते हैं। अब आपका चित्त जो है जब आप साधारण मानव रहते हैं तो शरीर बुद्धि और मन तीनों में रहता है और आप सोचते रहते हैं उस चीज को जिससे आप आनंद पाए। जब आप उस चैतन्य शक्ति से एकाकार होते हैं, कुंडलिनी के जागृति से सहस्त्रार पे आपका चित्त आकर के उसे एकाकार होता है, तब आपका चित्त जो है अपनी कुंडलिनी पर जाता और अपनी कुंडलिनी पे जाते ही आपका पे जाता। यानी अभी तक आपका चित्त तीन जगह तक जा सकता था,
अब एक चौथी जगह जाता है जो निराकार शक्ति है, और उसमें जाते ही आप विचारों से परे उठ करके और इस मन बुद्धि और शरीर तीनों को देखने लगते हैं साक्षी स्वरूप। आप जिन लोगों के हाथ में से झंझन झंझन ऐसे चैतन्य की लहरियां बह रही हैं, इन लहरियों को हम लोग इतने सहज में पा गए हैं कि हम जानते नहीं कितनी बड़ी चीज हमें मिल गई। पहला तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो कि इतनी बड़ी चीज इतने सहज में कैसे मिले। जैसे कि एक छोटी सी चीज समझ लीजिए कि मानव का जन्म हम लोग इतने सहज में पा लेते हैं कि हम ये जानते ही नहीं कि मानव जन्म पाना जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से मानव का जन्म होता, और उसका पुनर्जन्म तो बहुत ही जन्म जन्मांतर की मेहनत के बाद और खोज के बाद पुनर्जन्म होता है, लेकिन वो इतने सहज में घटित हो रहा है कि उसकी कीमत हम लोग समझ नहीं पाते, और ये भी सोचते हैं कि इतने जल्दी कैसे हो। उसकी वजह ये थी कि आज तक आप सारी खोज बाहर कर रहे थे और चीज आप ही के साथ, जैसे कि आपके अंदर कोई हीरा बैठा हुआ है और आप सारे दुनिया में खोज रहे हैं और आपके यही हीरा गिरा हुआ है, और फौरन किसी ने बता दिया कि हीरा तो यही है और आपको रास्ता भी बता दिया, आपने हीरे को पकड़ लिया, फिर आप ये थोड़ी कहेंगे कि अरे इतने जल्दी कैसे, आप तो यही कहेंगे कि अरे मैं यही था और मैं दुनिया भर में कहाँ खोजता फिर आप। ये बात वास्तविक हो रही है, जब हमें सहज योग से ये दशा प्राप्त होती है तो वास्तविक में हमें इसकी प्राप्ति इतनी सहज में होती है कि हम समझ नहीं पाते कि कहाँ से कहाँ पहुंचे। या ये कहिए कि आधुनिक युग में जिस तरह से आप एकदम से चंद्रमा पे पहुंच जाते हैं, पता भी नहीं चलता आप अगर चंद्रमा में एक क्षण में अगर पहुंच सके ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो आप, हो सकता है कि आप ऐसे ही महसूस करेंगे कि हम ये कहां पहुंच गए, कैसे हो सकता चंद्रमा में हम एक क्षण में कैसे। इसी तरह से ये घटना जो है इतनी सहज में होती है, इतने सहज में ये घटना होती है कि आपको ऐसा लगना स्वाभाविक, लेकिन कोई बात सहज में हो जाए और चाहे बहुत तकलीफ से हो जाए, याद वो रहती है जो तकलीफ से होती है और समझ में वो होती है जो तकलीफ से होती है, ये मानव का स्वभाव है। और मानव उसी में अपने को बड़ा धन्य समझता है जो किसी कर्तव्यगारी से पाता, बाप ने अगर लाखों रुपए की भी उसको स्टेज दे दी तो उसकी वो विशेषता नहीं समझता, पर उसके कमाई से उसने अगर 2 रुपए भी मेहनत से कमाए तो उसको बड़ी बारीकी से बताया कि मेरी कमाई, ये उसके अहंकार का लक्षण है, ये उसके अहंकार की तृप्ति। लेकिन सहयोग में तो अहंकार ही जब टूटता है तब फिर अहंकार से कोई चीज पाने की तो बात ही नहीं, इसलिए अहंकार जो है वो अतृप्त रह करके इस तरह की शंकाएं अंदर उठाता है कि ऐसे सहज में क्यों। अब अपने रियलाइजेशन की जो तरीके और जो होता है जैसे जैसे रीति से वो होता है, ये सब आप में से बहुतों ने देखा, तो किताबों में अब हर एक किताब में एक नया तरीका पाएगा कि जब आत्म साक्षात्कार होता है तो ऐसे हो जाता है, वैसा हो जाता है, ये हो जाता है। अब इसमें से कितने लोग पार हैं और कितने नहीं है एक परमात्मा जाते हैं, लेकिन आप में से जो लोग पार हुए हैं धीरे धीरे आपने अपनी गति ऊपर की है, आप लोग जानते हैं कि आत्मी जो पहले पार होता है तो सिर्फ उसका संस्कार टूटता है और वो एकाकार होता है उस चैतन्य से। फिर इसके बाद तो भी वो यही रहता है और उसकी दृष्टि अपने और दूसरों के कुंडलिनी पे आ तो जाती, लेकिन वाइब्रेशन जो उसके अंदर आ रहे हैं वो कभी कभी एकदम रुक जाते हैं, और वो अगर अपने सर पे हाथ रखे तो देख लेगा उसके सर पे यहाँ पर कि बिल्कुल नरम हो गया था वहां फिर से कड़क हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो सालाना कालक पार जा जाते, अभी आप काली पार हुए और आपका कैल्सिफिकेशन।
उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो ईगो और सुपर ईगो है वो हट जरूर जाते हैं, हमारा चित्त बीचों बीच जरूर आ जाता है, लेकिन वो फिर से ग्रो करके और एक हो जाए। वो फिर से ग्रो करके एक हो जाते, और जब वो ग्रो करके एक हो जाते हैं तो फिर से कैल्सिफिकेशन हो जाता है और प्रवाह बंद हो जाता है। लेकिन आप तो भी कुंडलिनी समझ सकते, वो कैसे कि आप उसके बाद अगर ध्यान में आए और मेरी ओर हाथ करें तो आपको लगेगा कि ये हाथ पकड़ के अभी पुष्पान में जाके कहा कि मेरे ये अंगूठा पकड़, ये पार है। क्योंकि वैसे जो लोग आदमी पार नहीं है, जो पार नहीं है वो अगर मेरे और हाथ करके बैठे तो उनको कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग पार होगा उनको लगेगा कि माता जी देखो ये उंगली मेरी पकड़ गई। को ऐसा लगेगा कि ये उंगली मेरी पकड़ गई है, और या ये उंगली मेरी पकड़ गई है इसलिए नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है। इसमें से जो जानकार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि कौन से उंगली का इशारा, कौन से चक्र। अब ये कोई कपोल कल्पित नहीं है, दिमागी जमा करते इस बात का पता नहीं लगा, मैंने तो बताया नहीं, क्योंकि तो मैं अगर इसको बताती तो सब लोग ये कहते कि माता जी यूं ही उड़ा रहे। मैंने कहा तू भी देख, तो जब उन्होंने ऐसे हाथ रखा और जब उनकी ये उंगली जलने लगी तो मैंने कहा कि अच्छा इनके नाभि चक्र पे तुम हाथ रख के देखो, तो नाभि चक्र चल रहा है। अपने अंदर आँख बंद करके देखो तुम्हारा कौन सा चक्र चल रहा है, तो नाभि चक्र चल रहा है, और जब हाथ तुमने उनके और किया तो कौन सी उंगली जल रही, ये उंगली जल रही। इसका मतलब ये उंगली नाभि चक्र का साक्षा, और सबकी यही उंगली पकड़ी जाएगी उस आदमी। तो निर्विवाद ये बात है कि इस पर किताब चाहे कुछ भी लिखे, जिस तरह से जो होता है वैसा ही होता है। अभी कल ज्ञानेश्वर जी को लेकर के साहब मुझसे भिड़ रहे थे बहुत ज्यादा, ज्ञानेश्वर जी आज होते तो उनसे हम ही बात कर लेते, वो भी खोज रहे थे तरीका किस तरह से बात समझाने का, लेकिन उनको बन नहीं पड़ा, बहुत छोटी उम्र में उनकी मृत्यु। ऐसे बहुत से लोगों की अपंग मृत्यु होने के कारण भी बहुत कुछ गलत फहमियाँ संसार में फैल, और उन्होंने किताब लिख दी, ये दूसरी गलती कर दी, जिस वजह से मैं किताब लिखने से बहुत डरती हूँ। किताब लिखते ही साथ लोग उसका रखना शुरू कर देंगे और उससे भी लोगों पर कंडीशनिंग हो जाए। तो आप इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है वो बिल्कुल आपको ऐसा सोचना चाहिए कि हर मिनट हमें नया एक अनुभव, ये नई चीज, हम नए आदमी, नया ही है सब कुछ, नए से ही जानना है, हम नए होकर के बैठे। जैसे छोटा बच्चा बचपन से एक एक शब्द सुनता है और उसको रख देता है, एक एक बात देखता है उसको समझ लेता है, इसी तरह से तुम आप लोग जो इस नए लोक में, इस दिव्य लोक में जो आए हुए हैं, तो उसकी दिव्यता को समझना से इसकी दृष्टि और भी है। यह बड़ी विशेषता है कि इसका नाम दिव्य लोक रखा है। मैं जाती थी तो इसका नाम पढ़ के मुझे बड़ा लगता था कि किसी बड़े सोचने वाले आदमी ने नाम रखा हुआ, कितना सुंदर नाम दिव्य लोक। मुझे क्या पता था कि परमात्मा सारी व्यवस्था यहीं कर देंगे और भाटिया साहब इतनी मेहरबानी कर देंगे हमारे ऊपर, बहुत ही सुंदर जगह है। तो जिस दिव्य लोक में आप उतरे हुए हैं उसकी दिव्यता को जानने के लिए आपको सोच लेना चाहिए कि ये सब नवीन नावीन्यपूर्ण है, इसमें सारा ही नवीन अनुभव, कहीं लिखा हुआ घिसा पिटा जो दूसरों ने अनुभव किया है वो नहीं है, हमें जो अनुभव करने का वो है, इसे एकदम नया नूतन बालक जैसे होता है ऐसे आप एकदम नए स्वरूप रहते हो। प्रिय पहली चीज है कि आप इसमें नवीनतम बातों पे और ध्यान दें, सब नवीन है, आज तक ऐसा कहीं भी अनुभव किसी ने किया नहीं, इतने जोरों में ये एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेसफुल कभी भी संसार में नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी इस संसार में बहुत बार आ चुकी और इस कार्य को करने का मैंने बहुत बार देखा, पहली मर्तबा इस जन्म में ये कार्य सफल भी हुआ, इसलिए सब में थोड़ा थोड़ा अधूरापन जो रह गया उसको आपको पूरा करना, आप उसी अधूरेपन को कंप्लीट करने के लिए आए हो, किसी को आप गिराने या घटाने नहीं आए, लेकिन उसमें जो कुछ थोड़ा बहुत अधूरापन रह गया है उसको आप पूरा करने के लिए। अब आप सोचे कि एक नए जमाने के
नए इफ्तार के एक नए लोग आप और सारे संसार के लिए आपको मार्गदर्शन। इसलिए रियलाइज लोग एक छत के नीचे बैठ करके उस परम शक्ति को पा रहे हैं। इतनी बड़ी भारी शक्ति आपके अंदर से विशेष रूप से प्रवाहित और लोगों के अंदर से नहीं है संसार, या आप जानते हैं, उसमें कोई आपको अब शंका नहीं रहे। जिनको थोड़ी बहुत शंका है इसका कारण ये कि वो अभी अभी पार हुए, इसलिए थोड़े दिन में उनको भी नहीं रहे। Thank you.
मधुर संगीत सुन लो माँ, मधुर संगीत सुन लो, बोल सके जो सेवा, बोल सके जो सेवा हमसे करा लेना, माँ सब को दुआ देना, सब को दुआ देना, माँ सब को दुआ देना, जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना, माँ सब को त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणा साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्र शक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की जय। जय श्री माता जी।
हम सभी लोग श्री माता जी का अनंत कोटि धन्यवाद करते हैं और माँ से क्षमा याचना करते हैं। हे परम पावनी माँ, यदि इस पूजा और ध्यान के दौरान हमसे कहीं भी कोई भी गलती हो गई हो माँ, तो हमें क्षमा करें। हमारा अहंकार, हमारा कर्ता भाव कहीं भी जागृत हुआ हो माँ, तो हमें क्षमा करें। क्षमा करें परमेश्वरी, आप ही करता है, आप ही कर्विता है माँ, आप ही करता है और आप ही भोगता भी है माँ। श्री माता जी, आपने इस पृथ्वी पे अवतरण के रूप में आकर, माँ के रूप में आकर जो हमको साक्षात्कार दिया, उसके लिए आपका अनंत कोटि धन्यवाद है माँ। इसके लिए हम आपके जन्म जन्मांतर के लिए ऋणी है माँ। कृपया करके श्री माता जी, हमें इन शक्तियों का प्रयोग और उपयोग, सदुपयोग करने योग्य बनाइए माँ। हमें हमारे व्यक्तित्व की गरिमा का एहसास, ज्ञान सदैव बना रहे श्री माता जी, और हम ये जाने कि हम आपके बनाए हुए एंजल्स हैं, इसलिए हमें कभी भी खिन्न, उदास, दुर्बल, परेशान नहीं होना चाहिए माँ। आप हमें इस योग्य बनाइए श्री माता जी, कि हमारे अंदर आपकी शक्तियाँ पूर्ण रूप से प्रवाहित हो सकें और हम आपके यंत्र बनकर देश के कोने कोने में, जहाँ भी आप हमें ले जाना चाहें माँ, वहाँ हमें ले जाइए, ताकि हम आपके प्रेम का संदेश, सहज का प्रचार प्रसार कर सकें और इस यंत्र को आप पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए माँ। माँ, इस यंत्र को पूर्णतया स्वच्छ कर दीजिए माँ। हमारे अंदर की सारी नकारात्मकताएं माँ दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए श्री माता जी। श्री माता जी, हमें सहज का प्रचार प्रसार करने में जो भी नकारात्मकताएं बाधा के रूप में सामने आती रहती हैं, उन सब को आप नष्ट कर दीजिए माँ, ताकि हमारे इस पावन कार्य में, दिव्य कार्य में कोई भी अड़चन ना आए श्री माता जी, कोई भी अड़चन ना आए। माँ, आप जो चाहें वही हम बोलें, आप जो चाहें वही हम देखें, आप जो चाहें वही हम सुने, आप जो चाहें वही हम करें और आप जो चाहें वही हम बने। मेरे आँख, नाक, कान, स्पर्श, त्वचा सब कुछ श्री माता जी आपके श्री चरणों में समर्पित। मेरा जीवन, मेरी हर सांस सब आपकी है माँ, मेरा सब कुछ आपका है माँ।
मेरा हृदय आपका है, मेरा मस्तिष्क आपका है माँ, सब कुछ आपका है श्री माता जी। कुंडली चढ़ा के बंधन लेंगे।